मैं लखनऊ को नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम और बच्चों को ढेर सारा प्यार। आज लेकर हाजिर हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, साप्ताहिक राशिफल हमेशा की तरह। तो ये साप्ताहिक राशिफल चंद्र से देखें या लग्न से देखें, तमाम लोग पूछते हैं। तो आज बता दूं भैया, देखो चंद्रमा से हमारे गोचर, हमारे नामकरण, हमारे शुभ मुहूर्त सब देखे जाते हैं, चंद्र राशि से ये बनाता। लेकिन लग्न जो कि जीवन है, हम सब कुछ हैं उसके आधार पर, हम खुद हैं, स्वयं हैं। तो इसलिए हम मेरे राशिफल कोई भी चंद्र और लग्न दोनों से देखने चाहिए। मान लीजिए आपकी लग्न वृषभ है और चंद्र राशि मिथुन है, तो दोनों से देखिए। दोनों में अच्छा मतलब बहुत अच्छा, एक में अच्छा एक में खराब मतलब एवरेज, दोनों में खराब तो सचेत होने की जरूरत है। तो साप्ताहिक राशिफल में हमेशा की तरह दरख्वास्त, शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर करिए, उसकी रफ्तार कम हो गई है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। सबसे पहले बात सप्ताह के मुख्य त्यौहार की। 3 तारीख अपने आप में बहुत बड़ा दिन, परशुराम भगवान की जयंती, जरूर श्री राम को याद करिएगा, परशुराम को याद करिएगा और उनकी वजह से जितने भी आपके ऊपर संकट है वो हरेंगे, कटेंगे। उसी के साथ साथ अक्षय तृतीया है, शुभ दिन शुभ कार्य करने के लिए। अगर सप्ताह में आगे बढ़े भाई तो 4 तारीख को विनायक चतुर्थी दिखती है, खास तौर से अगर देखें तो भानु सप्तमी है 8 तारीख को, माँ उस दिन भी माँ गंगा और गंगा सप्तमी भी कही जाती है कि पूजा जरूर करिएगा, बहुत लाभकारी रहता है। अब बात करें राशियों की, चंद्रमा किस राशि में रहेंगे तो वृषभ, मिथुन और कर्क में रहेंगे, बहुत मजबूत स्थिति चंद्रमा की दिखती है। अब बात सबसे पहले मेष राशि वालों की, तो मेष राशि वालों कैरियर और व्यवसाय में स्थिति बहुत बेहतर होगी, पुराने बादल छटेंगे, कैरियर व्यापार में आगे का रास्ता मिलेगा, नई नौकरी के चांस है, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, धन में स्थिरता आएगी, धन बढ़ता हुआ दिख रहा है, कोई मोटे पैकेज वाली तनख्वाह नौकरी मिल सकती है। पारिवारिक जीवन में छोटी मोटी खटपट होगी, वाणी पर कंट्रोल रखिएगा, पति पत्नी के बीच संबंध खराब हो सकते हैं ससुराल पक्ष की वजह से, उनका भी इंटरफेयर ज़्यादा बर्दाश्त मत करिएगा, प्रेमी प्रेमिका के बीच अलगाव की स्थिति दिखती है। स्वास्थ्य के मामले में डाइजेशन, पेट और लोअर बॉडी पार्ट का ख्याल रखिएगा। शुभ तारीख की इस सप्ताह बात करूं तो निश्चित तौर पर 2 तारीख अच्छी है, 4 तारीख भी बढ़िया रहेगी। महा उपाय की बात करूं तो नहाते हुए जल में गंगा जल धार लीजिएगा, पूरे सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। इस सप्ताह भाग्य को मिलते हैं 10 में से 9 अंक। बात कर लेते हैं वृषभ राशि वाले, कैरियर और व्यवसाय की बात करें तो बहुत बेहतरीन सप्ताह, 10 उंगलियां घी में रहेंगी, हर तरफ आपकी बात सुनी जाएगी, अधिकारी पक्ष खुश रहेगा, नए ऑफर लेटर का इंतजार कर रहा है या कोई इंटरव्यू शेड्यूल है उसमें लाभ मिलेगा, प्रमोशन ड्यू है तो प्रमोशन मिलने के चांसेस मिलते दिख रहे हैं। धन के मामलों में निश्चित तौर पर अच्छी स्थिति है, धन बेहतरी से आएगा, आसानी से आएगा, रुकेगा उसी के साथ साथ टिकेगा और कर्ज कहीं लेन देन बचा हुआ था वापस आएगा। पारिवारिक जीवन पूरी तरह से खुशहाल रहेगा, पति पत्नी के रिश्तों में गहराई आएगी, मधुरता आएगी, एक दूसरे को समझने का प्रयास करेंगे, प्रेमी प्रेम का अपने जीवन की शुरुआत कर सकते हैं और घर में अपनी बात के लिए हामी भरवा सकते हैं। स्वास्थ्य मामलों में छोटी मोटी समस्या माइग्रेन की हो सकती है, ख्याल रखिएगा। शुभ तारीख की बात करूं 2 और 6 रहेगी। महा उपाय की बात करूं तो निश्चित तौर पर राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करिएगा, इस सप्ताह भाग्य को मिलते हैं 10 में से 10 अंक। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की, मिला जुला सप्ताह रहेगा, कैरियर में कुछ काम बनेंगे कुछ अधूरे रह जाएंगे, इस वजह से थोड़ा सा गुस्सा भी रह सकता है, नौकरी में अधिकारी वर्ग हावी रह सकते हैं, ख्याल रखिए। आर्थिक पक्ष में पैसे का नुकसान हो सकता है, इन्वेस्टमेंट करते समय 10 बार सोचिए। पारिवारिक जीवन में छोटी मोटी खटपट बनी रहेगी, पति पत्नी के बीच सेपरेशन तक की नौबत आ सकती है, प्रेमी प्रेम का खास तौर से किसी तीसरे के इन्वॉल्वमेंट को जितना भी हो सके दूर रखें, वही बेहतर है। स्वास्थ्य के मामलों में डाइजेशन, पेट की प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। शुभ तारीख की बात करूं 4 और 5 और 6 रहेगी। महा उपाय की बात करूं, ओम बुम बुद्धाय नमः, इस मंत्र का जाप करिएगा, इस सप्ताह भाग्य को मिलते हैं 10 में से 7। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की, कैरियर और व्यवसाय में मिला जुला सप्ताह है, छोटी मोटी उठापटक रहेगी, कुछ अच्छी शुरुआत भी होगी तो कुछ काम पूरे नहीं होंगे, तो इस वजह से मन अप्रसन्न रह सकता है, आर्थिक पक्ष खराब रहेगा, छोटी मोटी दिक्कत बनी रहेगी, निश्चित तौर पर रुपये पैसे में थोड़ी सी समस्या दिख रही है। पारिवारिक जीवन परेशानी भरा,
रह सकता है, इसलिए सूझबूझ से तैयारी करिएगा हर चीज की, सूझबूझ से ही डिसीजन लीजिएगा हर चीज का, नहीं तो पति पत्नी के बीच स्थिति खराब हो सकती है। स्वास्थ्य के मामले में थायराइड हार्मोनल प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। शुभ तारीख की बात करूं तो निश्चित तौर पर 3, 4 और 5 रहेगी। महा उपाय की बात करूं, शिव तांडव स्त्रोत का पाठ करिएगा। इस सप्ताह भाग्य को मिलते हैं 10 में से 6 अंक। बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों के लिए कैरियर अच्छा रहेगा, शुभ समाचार मिल रहा है, कैरियर व्यवसाय में जबरदस्त फायदा होता दिख रहा है, कोई मनोकामना पूर्ण होती दिख रही है, अच्छी नौकरी का ऑफर भी आ सकता है, सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं। धन के मामलों में स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, आसानी से रुपया पैसा महत्वाकांक्षा पूर्ण होती इस सप्ताह दिख रही है। पारिवारिक जीवन, माता पिता के साथ छोटी मोटी खटपट हो सकती है, पिता से वैसे हालांकि आशीर्वाद मिलता दिख रहा है, पति पत्नी आपसी क्लेश से दूर रहें, प्रेमी प्रेम का किसी नए प्रेम प्रसंग में ना पड़े। स्वास्थ्य के मामलों में घुटनों की प्रॉब्लम, स्वास्थ्य जोड़ों की प्रॉब्लम परेशान कर सकता है। शुभ तारीख 5 रहेगी। महा उपाय, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करिएगा। इस सप्ताह भाग्य को मिलते हैं 10 में से 6 अंक। बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कैरियर और व्यवसाय में बड़ी अच्छी स्थितियां, भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, हर तरफ कहीं पर भी हाथ आगे बढ़ाएंगे, काम आगे करेंगे, उसमें सफलता मिलेगी, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, माता पिता का भरपूर सहयोग रहेगा, पैतृक संपत्ति में लाभ मिलेगा, विदेशों से शुभ समाचार, विदेशों से पैसे मिलने की संभावना दिखती है, पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा, माता पिता का भरपूर सहयोग, प्रेमी प्रेमिका का भरपूर सहयोग, पति पत्नी के आपसी रिश्ते बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य के मामलों में माइग्रेन परेशान कर सकता है। शुभ तारीख की बात करूँ इस सप्ताह, भाई 2, 3, 4, 5 अच्छी रहेगी। महा उपाय की बात करूँ, गणेश चालीसा का पाठ करिएगा। इस सप्ताह भाग्य को मिलते हैं 10 में से 10 अंक। बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। कैरियर और व्यवसाय में बेहतरी के संकेत हैं। कैरियर और व्यवसाय में चीजों में आसानी से आपको सफलता मिलेगी, आपकी बात सुनी जाएगी, अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, सडन धन प्राप्ति के संकेत मिल रहे हैं, पैसे रुपये के लिहाज से अचानक धन प्राप्ति हो सकती है, शेयर मार्केट में भी खासा लाभ रहेगा, पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा, माता पिता का भरपूर सहयोग मिलेगा, प्रेमी प्रेमिका का भरपूर सहयोग मिलेगा, कोई नया प्रेम प्रसंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं, पति पत्नी के रिश्ते मधुर होंगे। स्वास्थ्य के मामलों में डाइजेशन, पेट की प्रॉब्लम का ख्याल रखिए। शुभ तारीख की बात करूं तो 4, 5 और 6 रहेगी। महा उपाय की भैया बात करूं तो इस सप्ताह खासतौर से दुर्गा चालीसा का पाठ करिएगा। इस सप्ताह भाग्य को मिलते हैं 10 में से 7 अंक। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। कैरियर और व्यवसाय में थोड़ा हार्डवर्क ज़्यादा रहेगा, आसानी से सफलता नहीं मिलेगी, मन अप्रसन्न रह सकता है, निश्चित तौर पर मेहनत ज़्यादा करनी होगी, आर्थिक पक्ष हिला डुला रहेगा, वहाँ पे चीज़ें आसानी से पूर्ण नहीं होंगी, धन रुक रुक के आएगा, धन में प्रॉब्लम बनी रहेगी, पारिवारिक जीवन में उठापटक बनी रहेगी, छोटी मोटी प्रॉब्लम बनी रहेगी, माता पिता से सहयोग मिलेगा, प्रेमी प्रेमिका से अलगाव की स्थिति बनती है। स्वास्थ्य के मामलों में सरदर्द, सर्दी जुकाम बुखार खांसी इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। शुभ तारीख की बात करूं भाई 7 और 8 रहेगी। महा उपाय की बात करूं, हनुमान चालीसा का पाठ डेली करिएगा। इस सप्ताह भाग्य को मिलते हैं 10 में से 5 अंक। बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। कैरियर और व्यवसाय में स्थिति खराब हो सकती है, थोड़ा मन अप्रसन्न रहेगा, चीजें आपको बनती हुई नहीं दिखेंगी, बिगड़ेंगी, खासतौर से अपनी वाणी को कंट्रोल करने की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो कैरियर में नुकसान हो जाएगा, आर्थिक पक्ष कमजोर दिख रहा है, कर्जों के लेन देन से इन्वेस्टमेंट से लॉस होने के संकेत, छोटी मोटे पड़ोसियों से विवाद या चोरी के संकेत दिख रहे हैं, पारिवारिक जीवन में खटपट बनी रहेगी, माता पिता के साथ खटपट बनी रहेगी, प्रेमी प्रेमिका में दिक्कत बनी रहेगी। स्वास्थ्य के मामलों में पेट की समस्या, हार्ट की समस्या, हाई बीपी की समस्या ख्याल रखिएगा। शुभ तारीख की बात करूँ 4, 5 रहेगी। महा उपाय की बात करूँ तो विष्णु चालीसा का पाठ करिएगा। इस सप्ताह भाग्य को मिलते हैं 10 में से 6। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। कैरियर और व्यवसाय में छोटी मोटी उठापटक रहेगी, मन अप्रसन्न रहेगा, अधिकारी वर्ग से नाराजगी झेलनी पड़ सकती है, आर्थिक पक्ष में भी दिक्कत बनी रहेगी, शेयर मार्केट से दूर रहिएगा, नहीं तो स्थितियां खराब हो सकती हैं, पारिवारिक जीवन पति पत्नी के बीच क्लेश बढ़ रहा है, लेकिन प्रेमी प्रेमिका को कोई नया साथी मिल सकता है प्रेम में, पारिवारिक जीवन में माता पिता के साथ खटपट से दूर रहने की कोशिश करिएगा। स्वास्थ्य के मामलों में निश्चित तौर पर गॉल ब्लैडर लिवर का ख्याल रखिएगा। शुभ तारीख की बात करूं भाई 7 और 8 रहेगी।
महा उपाय की बात करूं, शनि चालीसा का पाठ करिएगा। इस सप्ताह भाग्य को मिलते हैं 10 में से 7 अंक। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। कैरियर और व्यवसाय में निश्चित तौर पर स्थिति बहुत बेहतर। कैरियर और व्यवसाय में चीजें मन मुताबिक पूर्ण होंगी। कैरियर और व्यवसाय में प्रमोशन के चांसेस, बाहर नौकरी, अच्छी नौकरी मिलने के चांसेस बन रहे हैं। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। घर, गाड़ी, बंगला खरीदने का अच्छा समय, ज्वेलरी वगैरह खरीदने का अच्छा समय, बहुमूल्य वस्तु लाने का अच्छा समय चल रहा है। पारिवारिक जीवन खुशहाल, पति पत्नी के रिश्तों में बेहतरी, प्रेमी प्रेमिका को स्टेबल पार्टनर मिलेगा। स्वास्थ्य के मामलों में दांतों की समस्या छोटी मोटी हो सकती है। शुभ तारीख की बात करूं भाई तो 3, 4 और 5 रहेगी। महा उपाय की बात करूं, दशरथ कृत शनि स्त्रोत का पाठ करिएगा। इस सप्ताह भाग्य को मिलते हैं 10 में से 9 अंक। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। कैरियर और व्यवसाय में पराक्रम बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका बोलबाला बढ़ेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। घर, गाड़ी, बंगले रिलेटेड कोई अच्छी खबर आएगी और धन अर्थ आसानी से आता रहेगा। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। माता पिता से अच्छे रिश्ते, घर में सुख शांति बनी रहेगी। सप्ताहांत तक प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच भी मिलाप हो सकता है। स्वास्थ्य के मामलों में छोटी मोटी सर दर्द या थकान रह सकती है, तो योगा, आयुर्वेद, मेडिटेशन का सहारा लीजिएगा। शुभ तारीख की बात करूं भाई तो निश्चित तौर पर 4, 5 और 6 रहेगी। महा उपाय की बात करूं तो खास तौर से चने की दाल और गुड़ का विष्णु जी को भोग लगाइएगा थर्सडे के दिन। ये सप्ताह भाग को मिलते हैं 10 में से 8। तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, औरों तक पहुँचाइए। आज के लिए फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।